हेलो फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। आज एक नए वीडियो लेके हाजिर हूँ जो कि मेरे पास एक वीडियोकॉन के अल्ट्रा स्लिम टीवी है। तो इस पे आपका क्या प्रॉब्लम है? जब आप इसमें आउटपुट लगाते हो तब आपका हाथों हाथ या थोड़ा देर बाद आउटपुट उड़ा देता है, ठीक है गाइस। तो आउटपुट उड़ाने का बात तो आपका होता है, एक तो होता है ESD के लिए होता है और बूस्ट PF के लिए होता है और EOC के लिए भी होता है, ठीक है गाइस। तो ज़्यादा पावर सप्लाई की वजह से भी होता है। तो सबसे ज़्यादा इन सारे चीज़ों की वजह से ही आपका योक और आउटपुट और आपका हो गया सप्लाई बूस्ट PF, इन सारे चीज़ों की वजह से हमारा जो आउटपुट है ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इस सेट में क्या ख़राब है वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है गैस। और आप देख लीजिए इसमें किस तरह से क्या चीज़ ख़राब है, आपको दिखाऊंगा और आप इसमें से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जिन लोग जरूर से सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे गाइस, ठीक है गाइस। तो ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में और एक बात बताता हूँ। जिन लोगों ने LED रिपेयरिंग की बुक नहीं खरीदा है, वो मेरा वीडियो बना हुआ है, वो इस बुक को ले सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसमें से कुछ ना कुछ सीख सकते हो, ठीक है गाइस। तो देख लीजिए आप उसमें। तो गाइस ये है हमारा सेट। तो इस सेट पे ही हमारा जो फॉल्ट है मैंने आपको बताया हूँ, इस सेट में ही है। तो फॉल्ट आपका सामने है, आपको दिखाने भी कोशिश करूँगा। ये जो बूस्ट PF है इसमें देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है साथ में। तो गाइस देख सकते हैं इसका कलर ऑलरेडी चेंज हुआ दिखाई दे रहा है आपका सामने। तो ये जो आउटपुट है ये कोई भी नंबर का हो सकता है, 2499 का भी हो सकता है, अलग अलग नंबर का भी आता है, 1803 भी हो सकता है गैस। तो ये ST का नंबर देख सकते हैं, नया डाला हुआ है जिस तरह से लगा रहा है ST। तो गैस इस पे आउटपुट उड़ा दिया, ठीक है गैस। तो आपने इसको क्या करना है, दूसरा आउटपुट लगाएंगे। ज़रा सही बात है, आप क्या करेंगे इसमें दूसरा आउटपुट लगा देंगे, शायद आपका चल भी चुका होगा आपके पास, तो कस्टमर घर पर लेके जाएगा, क्या होगा उसका कि को वापस ख़राब होके आएगा। तो यहाँ पर वही रीज़न है आपका, जो 1600 वोल्ट का या 2000 वोल्ट का होता है PF बूस्ट PF, उसको ज़रूर से चेक करें। यहाँ पर वही है, हम क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जो आउटपुट की टेस्टिंग है उसको कर रहा हूँ, क्योंकि आउटपुट हमारा जो शॉर्टिंग बता रहा है गाइस, क्योंकि ये आउटपुट बूस्ट PF ख़राब होने पर आउटपुट आपका हाथों हाथ ही कटा देता है, और ESD खराब होने पर भी हाथों हाथ कटा देता है। योक खराब होने से भी थोड़ा बहुत कभी कभार चलता है, या नहीं तो कभी कभार हाथों हाथ ही उड़ा देता है, ठीक है। तो सप्लाई अगर आपके पास ज़्यादा आ रहा है तो आउटपुट इतना जल्दी कटेगा नहीं गाइस, थोड़ा सा देर होगा आउटपुट कटने के लिए। तो यहाँ पर वही है, हम इसको आउटपुट को निकल देंगे क्योंकि आउटपुट खराबी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आउटपुट जो है ये दूसरा मैकेनिक के पास है, वो जो कि आउटपुट ऑलरेडी लगा हुआ था, तो हमने क्योंकि ये ख़राब हो चुका है और सेट को हमारे पास लेके आया था, तो हमने चेक किया। तो पहली नज़र में ही हम लोग हमारे जो चला गया है कि बूस्ट PF की वजह से ये ख़राब हो सकता है, तो सही में देखा तो बूस्ट PF हमारा जो उसका साइज़ है वो भी थोड़ा सा फुला हुआ था, और आपका जो उसका कलर है वो भी डैमेज कलर का या जला हुआ जैसा दिख रहा था। तो इस तरह से आपको फॉल्ट फाइंडिंग थोड़ा सा भी आँखों से भी आपको फॉल्ट फाइंडिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको आँखों से भी थोड़ा बहुत अगर फॉल्ट फाइंडिंग आप नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। सब काम आपको मीटर के ज़रिए नहीं किया जा सकता है, कभी कभी बार आपको मीटर चेक करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। तो आप अगर आँखों से भी कुछ ना कुछ सामान देख लेते हैं आप खुद से ही, तो आपका बहुत टैलेंट थोड़ा सा भी आ जाए और आपको आइडिया भी बहुत आएगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले ये जो व्यू है इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, उसके बाद में बूस्ट PF जो है उसको भी चेंज करा देंगे। और ये जो पीछे से एक PF लगा हुआ है ये गाइस हॉरिजॉन्टल सेक्शन का PF है, जो कि हमारा साइड बढ़ाने का काम करता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपका सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो शायद ये भी ख़राब हो गया था तो पीछे की तरफ से लगा हुआ है गैस। तो ये कुछ
बात वाली बात नहीं है कि पीछे से लगा हुआ है, कोई बात नहीं। और उसके साथ में जो एक डाइट लगा हुआ है गैस, वो तो आपका हो गया पार्टिकल सेक्शन का, जो पार्टिकल की आईसी को सप्लाई देते हैं। तो इसमें से जो सॉर्टिंग था वो अभी फिलहाल चला गया है। तो अब अगर मैं इसमें वापस से डाल दूँगा क्या आपका वो ट्रांजिस्टर आउटपुट की, जो भी ट्रांजिस्टर होता है आप जो कौन सा लगाना चाहते हो, आप अगर बूस्ट पीअप को चेंज बिना चेंज किए आप इसका आउटपुट को लगाना चाहते हो तो आपको बेकर में आउटपुट का पैसा या दोबारा भरना पड़ेगा, क्योंकि ये आउटपुट रहने वाला है नहीं। तो आपको सबसे पहले इस बूस्ट पीअप को चेंज करना है, उसका बाद में आप देखेंगे कि आपका आउटपुट रुक जाएगा, ठीक है। कभी कभार आपका ये बूस्ट पीअप जो है, ये ज़्यादातर बूस्ट पीअप जो है ना ये फुला हुआ ही मिलता है, और थोड़ा सा कम आपको ये शॉर्टिंग की नज़र में देखा जाता है, क्योंकि बहुत कम ये शॉर्ट होता है, फूलता है ज़्यादातर, ठीक है। जैसे आपका डाइट ख़राब हो गया तो दोनों तरफ के शॉर्ट दिखाने लगता है, और ये जो बूस्ट पीअप ख़राब होता है ना तो आपको फूला हुआ नज़र आएगा ज़्यादातर, ज़्यादातर आपको दिखेगा कि फूला हुआ है, और आपको आँखों से ही पता चल जाता है इसको। तो हमने यहाँ पर निकल लिया हूँ बूस्ट पीअप, ठीक है। तो इसके आपका हो गया 123 जे का हो गया, और आपका हो गया ये 2000 वोल्ट का, ठीक है। तो ये हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अगर आपका पास नहीं है तो आपका दूसरा पीएफ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे इसको लगा सकते हो, लेकिन ये पीएफ, क्योंकि अगर दूसरा पीएफ लगाएंगे तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें हाइट वगैरह की दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। तो ये पास हमारे पास है ऑलरेडी, तो इसको हम लगा देंगे और आउटपुट ट्रांजिस्टर 1803 को यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद हम आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, तो हम इसको फटाफट से लगा देता हूँ गाइस। तो गाइस ये हम अभी यूज़ करने वाले हैं, ये हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है 1803 है, जो कि इसको आप व्यू भी बोल सकते हो। तो ये हम पीएफ इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये दोनों को यूज़ कर लेंगे, उसके बाद का जो ये पुराना वाला था दो ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो टीवी है ये इतना जल्दी भी ख़राब नहीं होता है अल्ट्रा स्लिम का, ये कई तरह का टीवी आता है सेम बोर्ड में, फिलिप्स में भी आता है और आपका सैमसंग में भी आता है, वीडियोकॉन में भी आता है, अलग अलग सेट में ये बोर्ड भी यूज़ किया गया है गैस। तो इसमें जो पावर सप्लाई का जो सेक्शन है, इसमें आपको सबसे पहले आप पावर देंगे तो इसमें आपको 61 वोल्ट सप्लाई देखने को मिलेगा, जो कि आपको कुछ छेड़छाड़ी करना नहीं है, आपको सीधा स्टैंड बाई रिलीज़ कर देना है। अगर आपका स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं कराएंगे तो ये इसका जो सप्लाई है ये आईसी से काम नहीं करेगा। तो कभी कभार क्या होता है, इसमें देखा गया है कि मॉड्यूल लगाते समय आपका जो सप्लाई है उसमें ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपका 12 वोल्ट के जगह आपको 24 वोल्ट देखने को मिलता है। तो इसका कारण क्या है, आपका एक ट्रांजिस्टर होता है जो कि आपका ड्राइवर सप्लाई भी सप्लाई आता है और आपका 12 वोल्ट पर भी वो कन्वर्ट करता है। तो उस ट्रांजिस्टर को आपको ओपन कर देना है, उसके बाद को आपको इसको लगा देना है जो मॉडल, तो आपका काम करेगा बेहतरीन, ठीक है। तो आपका यहाँ पर अभी मैंने ट्रांजिस्टर को भी लगा दिया हूँ और पीएफ को भी बिठा दिया हूँ, और जो यहाँ पर स्टैंड बाई की जो सप्लाई की बात में मैं बात कर रहा था, पहले क्या करता है, इसका एक सिग्नल आईसी पे जाता है और जब आपका स्टैंड बाई रिलीज़ हो जाता है, आईसी से जो सिग्नल आता है वो आपका ट्रांजिस्टर के थ्रू पावर सप्लाई में दिया जाता है, जो कि आपका स्टैंड बाई रिलीज़ होते ही हमारा जो सप्लाई है ये 116 तक आ जाता है, उसके बाद में हमारा सेट जो है वो ऑन हो जाता है।
अगर आप वो ट्रांजिस्टर को भी खोल देते हैं तो आपका जो सप्लाई है वो हाथों हाथ 16 वोल्ट दिखा देगा और आपको स्टैंड बाई की जब करेंगे तो ऑन हो जाएगा, लेकिन आपका हाथों हाथ जो है वो 16 वोल्ट दिखाएगा, 116 वोल्ट आ जाएगा। तो इसमें मैं सोल्डरिंग कर दिया हूँ। मैं वीडियो को इतना मतलब स्पीड नहीं कर रहा हूँ इसमें, जो कि आप लोगों को देखे किस तरह से मैं करता हूँ, इसलिए मैं स्पीड भी नहीं कर रहा हूँ और मैं कुछ आपको बोलते हुए नज़र आऊँगा इस वीडियो में। इसको क्या करना है, आपको जब कोई भी सोल्डरिंग करें आपको देखना होगा सोल्डरिंग किसी और के साथ जोड़ना चाहिए एक साथ में, वो बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपका इसी तरह से सोल्डरिंग करते हैं तो आपको अलग सोल्डरिंग में लग जाता है, तो आपको क्या होगा, जब आप पावर देंगे तो आपका सेट यानी तो ऑन नहीं होगा, नहीं तो आपका सेट धुआं निकलने लगेगा, क्योंकि आपका जो सप्लाई होता है वो किसी के साथ में शॉर्ट हो जाने के वजह से आपको आपने जब सोल्डरिंग करना है दोबारा चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं, और इसको वॉश कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। कोई भी सामान हो आपका पास, जैसे कि थिनर वगैरह पेट्रोल वगैरह, उसमें वॉश कर दे। तो देख सकते हैं अब 61 वोल्ट दिखा रहा है हमारा, जो कि स्टैंड बाई मोड पे है भाई। अभी स्टैंड बाई जब रिलीज़ हो जाएगा यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा बनने लगेगा। हम यहाँ से स्टैंड बाई रिलीज़ कर देते हैं इसको, अभी देख सकते हैं 113 आ रहा है, मतलब 116 तक ये सप्लाई आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्ट्रा सीरीज में थोड़ा सा सप्लाई ज़्यादा ही आता है, इसमें कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो स्क्रीन है अभी आ जाएगा, सॉरी गाइस जो कैमरा था वो थोड़ा सा गिर गया था हाथ से, तो एसटी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कि स्क्रीन आ चुका है। तो गाइस इस तरह का टॉपिक पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए, और भी नॉलेज पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर भी दिया हुआ है तो इस नंबर में मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, और जो ये बोर्ड है ये हम कंप्लीट वॉश कर देंगे बाद में, ठीक है। तो ये बन चुका है, ठीक है गाइस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए।